हेलो एवरीवन, डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड टेकिंग केयर। सो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, लाइक बिगिनर्स को या फिर फ्रेशर्स को। लॉट ऑफ देम हैव दिस क्वेश्चन, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, काम कैसे करते हैं, हमको रिक्वायरमेंट कैसे आता है, दिस क्वेश्चंस दे हैव इन देयर माइंड बिफोर दे एक्चुअली गेट इनटू द वर्क। सो टुडे वी आर गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस दैट माइट हेल्प यू इन हैविंग एन एज ओवर अदर्स। So let us start. So to start off, there can be two types of projects. One is development. I mean, I'm broadly categorizing this into two types. One is development and migration project here. So when I say development project here, everything is being started from the scratch here. Like initially क्या होगा? एक requirement document आपको दिया जाएगा. ओके, जहां पे बिजनेस उसके एक्सपेक्टेशन, उसका नीड, लाइक व्हाई इट इज बीइंग क्रिएटेड, इसे उसको कैसे हेल्प होगा, दैट विल आल्सो बी कैटेगराइज्ड, और हाउ बिजनेस विल बी यूजिंग, व्हाट इज द फंक्शनलिटी दे आर एक्सपेक्टिंग, ऑल विल बी रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। हम क्या करेंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस पर, हमको कितना टाइम लग सकता है, हाउ मच टाइम आर वी गोइंग टू टेक ऑन टॉप ऑफ दैट। ओके, सो उससे हम वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वन एलओडी, एलओई लेवल ऑफ एफर्ट डॉक्यूमेंट। सो इसमें बोलेंगे लाइक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग और डूइंग आवर इनिशियल रिसर्च ऑन द रिक्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, विल टेल दैट ओके बॉस, यू नो टू डू दिस रिपोर्ट वी आर गोइंग टू टेक लाइक नो 10 days टू यू नो कंप्लीट द टास्क। दैट इज योर लेवल ऑफ एफर्ट हियर। सो हियर द एक्सपेक्टेशन क्या है, 10 दिन में हम प्रोजेक्ट खत्म करेंगे और हम बिजनेस को दिखाएंगे एंड ही इज गोइंग टू टेल अस वेदर इफ इट इज फाइन और नॉट। सो दैट इज लेवल ऑफ एफर्ट। सो वंस दिस लेवल ऑफ एफर्ट इज यू नो ओके, देन यू स्टार्ट योर वर्क। ओके, सो हमको एक डेटा आर्किटेक्ट रहेगा, एक डेटा मॉडलर रहेगा, हु विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग लाइक कोसेट टेबल्स यूज करना है। ओके, उनमें रिलेशन क्या है, लेकिन लाइक 95% ऑफ द टाइम्स देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी विल बी यूजिंग मल्टीपल टेबल्स टू गेट आर डेटा। तो ये मल्टीपल डेटा में रिलेशनशिप कैसा है, हमको व्हाट इज द प्राइमरी कॉलम दैट वी हैव टू टेक। ओके, मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय नेम, सो वेयर इज दिस डेटा फॉर एम्प्लॉय नेम बींग स्टोर्ड। ओके, सो ऐसे क्रिटिकल डेटा रहेगा जो कि हमको डेटा मॉडलर हेल्प करेगा टू गेट दैट डेटा, to sort that data according to business. So based on that, we are going to prepare one report. जबकि like 70 to 80% of report जब ready हो जाएगा, we'll give them a mock session. मतलब एक हम उनको एक client से एक review कराते हैं, ठीक है कि भाई देखो बॉस, वी हैव डन सो एंड सो इन दिस रिपोर्ट एंड ये अब तक ऐसे बन चुका है, आर यू फाइन? अगर आपको कुछ फीडबैक चाहिए या फिर यू नो आर यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स, यू नो इज द डिजाइन गुड, इज द फॉन्ट गुड, और यू नो इज द फंक्शनैलिटी गुड, इज दिस व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, ये सब एक वी डिस्कस दिस ओवर मल्टीपल कॉल्स। एंड वंस इट यू नो इट इज फाइनलाइज, यू स्टार्ट डेवलपिंग योर रिपोर्ट, यू नो एंड यू नो यू मर्ज ऑल ऑफ दी वर्कशीट्स एंड यू नो डिजाइन एंड कम्प्लीट दैट प्रोडक्ट बेसिकली। तो एक इनिशियल वर्जन होता है, एक फाइनल वर्जन होता है। इनिशियल वर्जन में वी डू ऑल द टेस्टिंग, वी डू मल्टीपल रिव्यूज, वंस दैट इज यू नो साइन ऑफ इज रिसीव्ड फ्रॉम द बिजनेस, देन वी गो एंड यू नो क्रिएट अ फाइनल प्रोडक्ट ऑन टॉप ऑफ दैट। सो दैट इज योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विच मीन्स एवरीथिंग इज बींग क्रिएटेड फ्रॉम द स्क्रैच। नेक्स्ट इज माइग्रेशन प्रोजेक्ट हियर। सो माइग्रेशन प्रोजेक्ट क्या हो गया, यू ऑलरेडी हैव एन एपल टू प्रिपेयर और यू ऑलरेडी हैव अ डिजाइन टू क्रिएट। सो लाइक सपोज माई एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स आर इन माई लाइक से एस ए पी बी डब्ल्यू और यू नो दे आर इन माई ओ बी ए। सो नाउ बिकॉज ऑफ सम बिजनेस रीजन, बिजनेस वॉन्ट टू अपग्रेड देम इन टू सम लाइक टैबलू और पावर बी ए। सो यहाँ उनको दे हैव टू मूव देयर रिपोर्ट फ्रॉम दिस टूल टू दिस टूल। सो वॉट इज हैपनिंग हियर, एक ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है। ओके, सो ऑलरेडी ए लेआउट इज रेडी, ऑलरेडी आवर टेबल स्ट्रक्चर इज रेडी, डेटा इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। नाउ वी हैव टू डू, वी हैव टू माइग्रेट रिपोर्ट्स फ्रॉम देयर। ओके, सो दिस इज हियर, यहाँ पे भी एक लेवल ऑफ एफर्ट हमको देना पड़ेगा क्योंकि वी हैव टू चेक इफ यू नो ऑल द फंक्शनैलिटी जो भी लाइक ये एग्जिस्टिंग या फिर ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स जो क्लाइंट यूज कर रहा है उसमें यू नो इट इज अवेलेबल एंड दे वॉन्ट द सेम थिंग इन दी इन टैबलू और पावर बी आई, इफ इट इज पॉसिबल और नॉट। सो एक बार वी हैव टू हैव अ ग्लांस ऑन हाउ इट कैन बी अचीव्ड एंड ऑल।
So basing on that, we start working on that and we create our reports taking base as the existing reports. Okay, so यहाँ पे अपना एक migration project में एक help ये है कि already everything is ready. So you have to use the same tables, you have to use the same columns. Calculation we might have to write again to make it in sync with the tool that you are implementing. Like suppose OBI का आप you know you are writing it in Tableau. So you have to make sure that calculation is working here. It is getting the same data. Same like you know if you are writing in Power BI, make sure it is working you know as expected in Power BI. So that thing we have to check. So that is testing basically. So do your testing properly. I repeat again, you know, customer पहले आपका quality of data देखेगा, then only he will go to the design perspective. अगर if you are not showing the quality or the numbers are not right, okay, so no matter how good the design of your dashboard is, client, you will not be getting appreciation. So once you get the right data or the quality of data is correct, then you can start working on the design perspective. Okay, so that is about migration project. Okay, so that's it from my side in this video. I hope you like this video. If you like it, please like, share, and subscribe. Thank you. Have a good day. Bye-bye.